बाद अब अस्पतालों का कलर बदलने वाला पीला और भगवा करेंगे। अभी तीन चुनाव ने थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का रंग बदला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद काफी कुछ रंग बदल जाएगा। अखिलेश जी, तीन राज्यों में जो कांग्रेस को जीत मिली है, बीजेपी हताशा में, कहीं ये नहीं मानते कि कल जिस तरीके प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के गढ़ में आ रहे हैं, 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नई संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई संस्कृति राजनीति में लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की नई संस्कृति यह है कि शिलान्यास का शिलान्यास करो, उद्घाटन का उद्घाटन करो। यही बात तो समाजवादी लोग कह रहे थे जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली से नोएडा वाली मेट्रो में बैठे थे। वो मेट्रो पूरी की पूरी समाजवादी सरकार की बनी हुई थी। उस समय आप चुप थे। अगर शायद आप अखबार में वो बात लिख देते तो प्रधानमंत्री जी नहीं करते आकर के आज रायबरेली में कोचों का उद्घाटन। और शायद जिस समय एक्साइज हो रही थी एयरक्राफ्ट की, 302 तो केवल इतना है, 323 जो एक्सप्रेसवे बना है, उस समय भी हमारे समाजवादियों का किसी का नाम नहीं लिया गया था। शायद अगर नाम ले लिया गया होता तो बीजेपी संकोच करती प्रतिमा मूर्ति उद्घाटन शिलान्यास करने। गन्ना किसानों को पर्ची तब मिलेगी नहीं जब बीजेपी से फुर्सत पाएंगी पर्चियां। जब बीजेपी के पास ही पर्चियां होंगी तो पर्ची किसान को कैसे मिलेगी? सबसे बड़े किसान तो बीजेपी वाले हैं। देखो, आलू के किसानों को कितनी अच्छी राहत दी कि कन्नौज में दो दो किसान आलू ने आत्महत्या कर ली। यही वही सरकार है, याद कीजिए, जिन्होंने किसान जब यहां पर आलू छोड़ के गए थे तो उन्हें आतंकवादियों की तरह पेश किया था पुलिस के सामने, आपके कैमरों के सामने। क्या उम्मीद करोगे सरकार से? सरकार व्यस्त है, विदेश से कैसे तेल और आ जाए, खाने का घी कैसे और आ जाए, खाने का तेल और कैसे आ जाए। हमारे किसान की तो चिंता ही नहीं। धान कहीं खरीदा जा रहा हो तो बता दो, पर्ची आपने जैसा कहा ये सच्चाई है कि पर्ची तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की जेब में है? सच्चाई की। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया, वो बात आ गई है। तो मैं समझता हूँ अगर भविष्य में भी कुछ किसी को कहना है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है। आपको लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप टिप्पणी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आप तो बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, आपको करना चाहिए। उसके बाद बीजेपी की जो पदयात्रा थी वो धोखे की थी, लोगों ने कहीं घुसने नहीं दिया, जहां पहुंचे भगा दिए गए। और एक जगह तो ऐसा हुआ है कि जहां पर उनके जनप्रतिनिधि की पिटाई हो गई है, तो बताइए कैसी थी उनकी यात्रा जिसमें जनप्रतिनिधि की पिटाई हो रही हो। कुछ नहीं कह सकता हूं, समाजवादियों का विकास ये लगातार इसी तरह पदयात्रा साइकिल के माध्यम से जन जागरण लोगों के बीच पहुंचने का काम चलता रहेगा। ये एग्जेम्पलरी वर्क जो है समाजवादियों के, आने वाले समय में इससे बेहतर और इससे अच्छा और कर सकें, उस दिशा में जनता को भरोसा। डीजीपी ने जो ठोको नीति चल रही है उसका तो असर आप देख ही रहे हो। ठोको नीति में तो जनता पुलिस को ठोक रही है, पुलिस जनता को ठोक रही है, और पुलिस को कहीं निराशा हताशा आ जाती है तो वो थाने में ठोक देती है। तो वहां जाने दो गई है दोनों पक्ष की, या एक नौजवान की जान गई है पुलिस की। अगर सच्चाई अगर आप ला दें तो शायद आप भी सच्चाई जानते होंगे, कहीं ना कहीं लेन देन का भी वहां झगड़ा रफेल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इससे बड़ा न्यायालय कहीं नहीं है, इससे ज्यादा भरोसा जनता को किसी पर नहीं है। मैं समझता हूं अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि रफेल में उंगली उठ रही है, तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसी में लोग विचार कर सकते हैं। तो क्या आप भी जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं? जेपीसी तो उस समय समाजवादी पार्टी ने मांग की थी जिस समय सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं आई थी। अगर आप हमारे पुराने आर्काइव में निकाल करके देखें, जिस समय जंतर मंतर में कार्यक्रम था उस समय एक पत्रकार ने यही पूछा था रफेल के बारे में, तो उस समय हमने यही कहा था, समाजवादी लोगों ने यही कहा था कि इसकी जेपीसी बनी। मैं तो चाहूंगा कि कुछ काम बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। समाजवादियों ने ये काम करके दिखाया, भविष्य में और कैसे बेहतर काम करें उसका भी हमारे पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन इनको बताएंगे नहीं। इसलिए नहीं बताएंगे कि कहीं ये उसकी नकल ना कर लें। इसलिए अच्छा है ये अपना समय इसी में गुजार दें, कभी भगवानों की जात बताने में। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी अगर हमारे भगवान की भी जात बता